नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैंने सोचा मैं आपसे वो बात करूं जो बातें आपकी लाइफ को एक सक्सेसफुल व्यक्ति की लाइफ में बदल सकती है, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। मैं ये वीडियो बना रही हूं, मैंने कुछ सोचा नहीं है पहले से। मैं आपको सही बताऊं, मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मेरा मन हुआ मैं आपसे बात करूं। मैंने कुछ ऐसे लोग सच में देखे जिनके प्रति मुझे बहुत सहानुभूति है, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे अवगुण, जिन अवगुणों की वजह से आज वे सफल नहीं है। सिर्फ उन अवगुणों की वजह से आज उनकी इज्जत नहीं है, तो बड़ा दुख होता है कि व्यक्ति अच्छा है फिर भी अपनी जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगा कि ये जो चीजें हैं, ये अगर इन व्यक्तियों में होती तो ये व्यक्ति सफल होते। आज यही चीज आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, यदि सच में आपको लगता है कि लाइफ में सफल होना है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। सबसे अच्छी इमेज दोस्तों होती है वो जिसमें लोग आपकी इज्जत करते हो। आप अपनी हमेशा ऐसी इमेज बनाए कि लोग आपकी इज्जत करें, कभी ऐसा काम ना करें कि लोग आपकी बेइज्जती करें, आपकी तरफ घृणा की दृष्टि से देखें। दोस्तों, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में सच बोलना और स्पष्ट बोलना। काफी लोगों को मैंने देखा, सच उन्हें पता है, लेकिन कुछ लोगों की उन्हें इतनी शर्म नड़ जाती है कि नहीं, मैं उस व्यक्ति के सामने अगर मैं सच बोलूंगा तो उस व्यक्ति को बुरा लग जाएगा, मैं यदि स्पष्ट बोलूंगा तो उस व्यक्ति को बुरा लग जाएगा, यदि मैं सच बोलूंगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, या मैंने सच बोला तो इस समय मेरा नुकसान हो जाएगा, तो व्यक्ति झूठ बोलने लग जाता है, है ना? दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, हमेशा सच बोलो और स्पष्ट बोलो। सच बोलने वाले, स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति की एक अलग ही इमेज होती है। और यदि आप किसी मैटर को किसी व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो चीज सच है तो हमेशा वही रहेगी। लेकिन यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो ध्यान रखना, आज आपने जो इन्फॉर्मेशन किसी को दी है, कुछ समय के बाद आप खुद भूल जाएंगे कि आपने इस व्यक्ति को ऐसी कोई बात बताई थी। उसके बाद उसी मैटर को लेकर के आप उसको कोई और इन्फॉर्मेशन देंगे और वो इन्फॉर्मेशन गलत होगी, और उसके बाद आपकी इमेज पड़ेगी झूठों की। व्यक्ति के अंदर से, सामने वाले व्यक्ति के अंदर से आपके प्रति मान सम्मान कम हो जाएगा, मान सम्मान भी कम हो जाएगा, प्लस आपकी वो इज्जत नहीं कर पाएगा। आपकी जब वो इज्जत नहीं करेगा, आपके प्रति मान सम्मान नहीं होगा, तो उसके अंदर कभी आपके प्रति प्रेम भी नहीं होगा। तो दोस्तों, एक ही बहुत अच्छा, मैंने एक चीज को देखा है कि झूठ बोलना छोड़ दो, सच बोलो और स्पष्ट बोलो। ये चीजें आपकी लाइफ को निखार देती है। और दूसरी चीज दोस्तों, मैंने कितने लोगों को देखा, उनकी अच्छी पर्सनालिटी है, उनके पास अच्छा दिमाग है, लेकिन जहां उन लोगों ने ये देखा कि कोई व्यक्ति उनसे ज्यादा पावरफुल है, उसके पास पावर है, पैसा है, तो वो चापलूसी करने लग जाते हैं। चापलूसी इस हद तक करते हैं कि वो अपने ही इमेज खो बैठते हैं। मैंने सच में दोस्तों ऐसे लोगों को देखा मेरी लाइफ में। मैंने कुछ ऐसे परिवार के परिवार देखे, एक तो मैंने पूरी ऐसी फैमिली देखी कि वो सारे ही भाई, उन्हें कमाना धमाना नहीं था, वो गलत आदतों के शिकार हैं, उन्हें दारू पीना है, गलत काम करने हैं, और वो सारे ही भाई सिर्फ चापलूसी करते हैं। चापलूसी इस हद तक कि उनकी खुद की कोई इमेज ही नहीं है। इंसान मतलब मैंने जब ऐसे लोगों को सच में देखती हूँ, मुझे घिन आती है कि क्या भगवान ने इनको इसीलिए इंसान बनाया, सिर्फ अपना पेट पालने के लिए,
किसी पैसेदार व्यक्ति के पास से पैसे ले लेने के लिए या उसके पावर का यूज कर लेने के लिए इस हद तक चापलूसी। और ऐसा एक इंसान नहीं है, हमारे समाज में ऐसे हजारों इंसान पड़े हैं। और ये हकीकत है दोस्तों कि इन चापलूसों ने ही हमारा जो 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 सिस्टम है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर भी कितना ही जो डिसऑर्डर हुआ है इन चापलूसों की वजह से हुआ है। चापलूस लोग कभी भी सच्चे आदमी को सक्सेस हासिल नहीं करने देते हैं। और इनके अंदर ये नेचुरली ये गुण होता है, बहुत अच्छे से बहुत प्यारी भाषा उनके मुंह से मद टपकता है, शहद टपकता है, चापलूसी करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिसकी वो चापलूसी करते हैं वो व्यक्ति भी ये जानता है कि ये चापलूसी कर रहा है, जो उसको देख रहा है वो भी ये जानता है कि ये चापलूसी करता है। अपनी पूरी इमेज, अपनी पूरी इज्जत को खो करके, चापलूसी करके यदि आपने कुछ हासिल कर भी लिया तो क्या मतलब है उसका, कुछ भी नहीं। ना कुछ यहाँ से ले करके जाना है दोस्तों, कफन के कभी जेब नहीं होती, हर व्यक्ति सादा कफन ओढ़ करके ही जा रहा है, बराबर। तो अपनी इमेज चापलूसों में, झूठों में मत बनाए। और तीसरी चीज दोस्तों जो मैंने नोट की कि कमजोरी देखना, कभी आप बहुत बहुत पावरफुल हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आपके अंदर ढेरों अच्छाइयां हैं, है ना, बहुत सारी आपके अंदर अच्छाइयां हैं, लेकिन आपने कभी आपने कोई कमी पाल रखी है, कहीं आपकी कोई कमजोरी है, चाहे वो व्यक्ति आपकी कमजोरी हो, चाहे कोई नशा आपकी कमजोरी हो, चाहे कोई प्लेस आपकी कमजोरी हो, चाहे पैसा आपकी कमजोरी हो। कमजोरी किसी भी चीज की होगी दोस्तों तो आप जिंदगी में कभी भी उस सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे जो सफलता आपको मिलनी चाहिए। आप कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से आपको अचीव करना चाहिए। आपका 70% आपकी शक्ति आपकी कमजोरी खा रही होगी, कभी आप नोटिस करके देखना। और चौथी बात दोस्तों, लाइफ में कुछ भी करो, कुछ भी बनो, जिस चीज को अपना ध्येय बनाओ उस चीज को जरूर पाओ। ध्येय से कभी भी अपनी नजर को हटने मत देना और जिंदगी में हमेशा हंसी को बनाए रखना। कभी भी अपने बचपने को खोने मत देना। कभी कभार देखना दोस्तों इंसान इतना सीरियस हो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है कि वो 15 की उम्र में 35 का हो जाता है। और कभी देखना दोस्तों इंसान 70 की उम्र में भी 30 साल के इंसान के 25 साल के इंसान की उम्र की तरह हंसता है, बोलता है, खेलता है। तो लाइफ में हमेशा अपनी नजर अपने ध्येय पर रखो, ध्येय से कभी भी नजर हटे नहीं और हंसी कभी भी अपने से दूर जाए नहीं। हमेशा हंसते रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, ये बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसी चीजें जो मैंने नोटिस की थी और मुझे लगा कि मुझे ये चीजें अपने व्यूवर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से बताना चाहिए, मुझे ये बात करनी चाहिए। पता नहीं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना जरूर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।